ओके गाइस, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वहीं से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कंटिन्यू करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कहा था, अगर किसी भी सरफेस के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है तो वो सिंपली ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन था उस पूरे सरफेस के ऊपर, है कि नहीं, और वही मेरा था उसके थ्रू फाई नेट। तो इसी का एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है, उससे डिस्टेंस एक्स पे एक डिस्क रखी है। ओके, डिस्क की रेडियस कैपिटल आर है। तो मुझे निकालना है इस चार्ज क्यू से, ऑब्वियस बात है चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे हर डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसके थ्रू पेनिटेट करेंगी। कैसे, मतलब ऐसे जा रही होंगी, है कि नहीं। तो ऑब्वियस बात है इसके थ्रू फ्लक्स होगा। तो अब क्या है कि सरफेस पे यहाँ इस, अगर मैं कंसिडर करूँ तो मुझे क्या करना है कि निकालनी, तो यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करनी कैसे वो हम एक बार सोच लेते हैं कि इंटीग्रेट करना तो करें कैसे, ठीक है ना, कैसे हम एलिमेंट चूज़ करेंगे, कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखो, यहाँ अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा डिस्क के, तो डिस्क के परपेंडिकुलर तो इस डायरेक्शन में है कि नहीं। एरिया वेक्टर तो हर उसमें इस डायरेक्शन में आप कंसिडर कर सकते हो। तो एरिया वेक्टर तो डिस्क के परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ये है, और इस पॉइंट की क्यू चार्ज से डिस्टेंस ये होगी। और यहाँ पे अगर देखें दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो वो दोनों पैरेलल हैं। लेकिन ये पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स है, उस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस कुछ और है, मतलब ज़्यादा है, ऑब्वियस बात है उससे पता होना चाहिए डिस्टेंस कितनी है। अगर पेरिफेरी है तो आर हो जाएगा, ठीक है, आर एक्स, तो अनरूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हर उसकी पॉइंट की जो है डिस्टेंस भी अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का की डायरेक्शन भी अलग अलग है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो भी डिफरेंट है हर पॉइंट पे। तो हम इसको इंटीग्रेट करना है। तो इतने सारे वेरिएबल हैं तो कैसे करें। तो एक जो है आप कंसिडर कर लो कि अगर मान लो यहाँ पर एक रिंग होती है कि नहीं, डिस्क है ना, डिस्क को ब्रेक करने का तरीका क्या है कि अगर हमें ये डिस्क है, ठीक है, अगर ये इसका मिडल पार्ट है, तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे रिंग्स में, छोटी छोटी थिकनेस की रिंग्स में अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ, तो उस केस में अगर एक रिंग के थ्रू फ्लक्स पता चल जाए तो पूरी डिस्क के थ्रू फ्लक्स पता चल जाएगा। रिंग में ब्रेक कैसे करें, मान लेते हैं यहाँ पे एक रिंग रखी होती है, रिंग जो है वो कुछ ऐसी होती, मान लेते हैं रिंग जो है वो कुछ ऐसी होती और उसकी थिकनेस है, ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस है। तो अगर देखा जाए, अगर यहां से डिस्टेंस एक्स पे इस रिंग की रेडियस आर मान लेते हैं, इसकी थिकनेस जो है वो डी आर कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे ये चार्ज क्यू रखा है, तो इसकी वजह से ये अगर रिंग की पेरिफेरी पे एक जो है छोटा सा सेक्शन है, अगर इस पे देखें तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, है कि नहीं, ई की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन इस जैसे सेक्शन ये कंसिडर कर लेते हैं तो उसका एरिया किधर होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब नीचे ऊपर, है कि नहीं, यही दो डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर हैं, तो इस केस में इधर, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, है कि नहीं, डी ए वैक्टर। तो यहाँ ई और डी ए में कंसिडर कर लेते हैं एंगल थीटा है, और वही ये एंगल होगा क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, है कि नहीं। तो और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये बात समझ आती है कि इस सेक्शन की क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, है कि नहीं। अब यहाँ इसके रिंग के पेरिफ्री पे जो भी पॉइंट है, हर पॉइंट उसकी डिस्टेंस इस चार्ज के उसे यही होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। जैसे कि ये नीचे वाला अगर पॉइंट कंसीडर कर ले तो इसकी भी डिस्टेंस सेम होगी और एंगल भी सेम बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं, ये एंगल थीटा,
यही होगा, ये ई हो, ये ए डी ए वैक्टर होगा, है कि नहीं, ये ई वैक्टर होगा और ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये रेडियस भी आर है, तो दोनों जो हैं वो कनकरेंट ट्रायंगल हैं। तो उस केस में ये एंगल थीटा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये तो एक्सिस है रिंग का, तो हर पोर्शन पे अगर पूरी रिंग के देखें तो हर पॉइंट पे ई और डी ए वैक्टर में सेम एंगल है और हर पॉइंट पे ई का मैग्नीट्यूड सेम है। ई का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि हर पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज क्यू से अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, सेम है। तो इस रिंग के थ्रू अब फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स क्या होगा, जो डी फाई होगा रिंग के थ्रू वो सिंपली हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तब डी ए जो है वो इसका, तो वही है, इसको स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं स्ट्रिप। तो अगर मैं इसको, इस पूरी रिंग को कट करके उसको ऐसे फ्लैट कर दूं, तो उस केस में ये वो स्ट्रिप है जिसकी ये लेंथ जो है वो हो जाएगी वही जो रिंग की पेरिफेरी है 2πr और ये थिकनेस हो जाएगी इसकी dr। तो इसका एरिया हो जाएगा स्मॉल एरिया dA जो है वो सिंपली 2πr dr हो जाएगा। तो मुझे dA पता चल गया। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E जो है वो सिंपली K चार्ज है Q, इस क्यू चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है उसका मैग्नीट्यूड, तो के क्यू बाय डिस्टेंस जो है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू डी ए क्या है, डी ए है 2πr dr और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इस ट्रायंगल से देखते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस है x, हाइपोटेनियस एंड रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। तो उस केस में जो कोस थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है इसको इंटीग्रेट करना है, तो पूरे उसमें फाई नेट के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट क्या है, अब एक रिंग के थ्रू अगर मुझे फ्लक्स पता चल गया तो ऐसी ऐसी सभी रिंग्स के थ्रू पता चल सभी रिंग्स के थ्रू निकाल के उनको ऐड कर देते हैं। तो रिंग्स की रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, अगर पूरी डिस्क को कवर करना है तो जीरो से लेके कैपिटल आर तक जो है रिंग की रेडियस वेरी करेगी। तो ये इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सारी कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकालो, एक्स कॉन्स्टेंट है, हर रिंग की रेडियस अलग अलग है लेकिन उस रिंग के सेंटर से डिस्टेंस हर किसी का सेंटर सेम होगा ना यार, ये जो डिस्क का सेंटर है हर रिंग का सेंटर सेम होगा और सेंटर से डिस्टेंस x है तो हर रिंग के सेंटर से डिस्टेंस x रहेगी। तो x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं, k q x 2πi ये सभी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा r dr डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर हाफ, तो हाफ प्लस वन, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है फाई नेट का, तो फाई नेट का एक्सप्रेशन जो है वो है 2πi, k की वैल्यू रख लेते हैं, k की वैल्यू 1/4πε और x इंटू q इंटीग्रेशन r dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 लिमिट 0 से कैपिटल R, ओके। तो इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे यहाँ, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो एक्स कांस्टेंट है दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो 2r dr इक्वल टू 2t dt, है कि नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो r dr की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं t dt, r dr की जगह हम पुट कर सकते हैं t dt। तो अब वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2πi से 4πi तो 2ε0 बच जाएगा, तो ये अदर हो जाएगा क्यू बाय 2ε x इंटीग्रेशन
आर डी आर की जगह पुट करते हैं टी डी टी, टी डी टी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पुट करते हैं टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो टी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो ये टी क्यूब हो जाएगा, तो टी डिवाइड बाय टी क्यूब, तो क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट एक्स टी डिवाइड बाय टी क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/t², तो डी टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब टी की लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पे स्मॉल आर की लिमिट थी 0 से R। अब टी की लिमिट देख लेते हैं, व्हेन स्मॉल आर जब 0 है तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आर को 0 पुट करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब टी इक्वल टू एक्स आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे व्हेन आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो टी जो है वो अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो जो स्मॉल आर की लिमिट थी वो 0 से R है, तो टी की लिमिट जो हो जाएगी एक्स से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी लिमिट हम पुट करेंगे एक्स से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/t² का इंटीग्रेशन माइनस 1/t, तो क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू 1/t, माइनस मैंने बाहर ले लिया है, माइनस 1/t आना था तो माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, तो एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिमिट पुट करें तो आंसर ये आएगा क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट एक्स अंडर रूट 1/x, माइनस को मैं अंदर ले गया हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होना चाहिए था, लेकिन माइनस के अंदर, अब लोअर माइनस अंदर जाने से लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट हो जाएगा, 1/ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को भी अंदर ले जा सकते हैं, तो उस केस में जो फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू आएगी क्यू बाई टू एप्सिलॉन, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 - x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यही मेरा फ्लक्स था जो उस डिस्क के थ्रू था। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है कि इफ़ अगर डिस्क जो चार्ज जो काफ़ी दूर रखा होता डिस्क से, अगर मान लो इन्फिनिटी पे रखा होता, तो इसका मतलब एक्स टेंस टू जो इन्फिनिटी होता, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, तो फ्लक्स जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स इन्फिनिटी पुट करें तो फ्लक्स की वैल्यू जो जीरो आनी चाहिए, तो देख लेते हैं। तो अगर एक्स काफ़ी लार्ज है या इन्फिनिटी है तो उस केस में आर को नेगलेक्ट कर सकते हैं एक्स के कंपेरिजन में, तो ये हो जाएगा सिंपली, तो फ्लक्स जो है वो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर रह जाएगा, अंडर रूट एक्स तो मतलब एक्स, तो एक्स डिवाइड बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 - 1 0, तो फाइनाइट जो है वो टेंस टू 0 हो जाएगा जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हमने जो रिजल्ट डिराइव किया है वो सही है। ओके, और एक्स टेंस टू 0 तब क्या हो रहा है ये भी आप समझ सकते हो कि x टेंस टू 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं प्लेन के पास डिस्क के काफ़ी पास जा रहा हूँ, है कि नहीं। तो अब है क्या कि मान लो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे डिस्क रखी है, ओके, और मैं इसके जस्ट पास आ गया हूँ, बहुत काफ़ी पास आ गया हूँ, तो अगर मैं इसका वो बनाऊँ साइड व्यू ऐसा है कि डिस्क ऐसी है और चार्ज यहाँ पे आ गया, जस्ट यहाँ पे इसके सरफेस को टच कर रहा है जस्ट, तो उस केस में एक टोटल चार्ज से हमने देखा था कि फ्लक्स कितना होता है, अगर चार्ज से देखें तो अगर पूरा क्लोज सरफेस होता, तो मान लो ये क्लोज सरफेस होता पूरा गॉसियन सरफेस, तो हमने गॉस लॉ से देखा था कि वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है कि नहीं। तो ऐसी अगर एक और शीट में यहाँ रख देता हूँ डिस्क, बिल्कुल इन दोनों को मिला दो, मतलब ये चार्ज जो है अब इन दोनों के बीच में फिक्स है, ओके, और इन दोनों ने इस पूरे चार्ज को कवर कर रखा है, मतलब ऐसे कि दो ये चार्ज है बीच में और ये दो डिस्क हैं ऐसे बिल्कुल, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रखा है कि इसका जितना भी फ्लक्स था वो क्यू बाय एप्सिलॉन दोनों अब डिस्क से पास हो रहा है कि नहीं, तो दोनों डिस्क से वही क्यू बाय एप्सिलॉन जो है फ्लक्स है, तो एक डिस्क के थ्रू क्या होगा,
क्यू बाई टू एप्सिलॉन, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही होंगी और आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है ना यार। यहाँ वाली नेग्लिजिबल होंगी क्योंकि हम कहते हैं कि इतना गैप नहीं है इन दोनों के बीच में कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली जाएं। तो वो आता है क्यू बाय एप्सिलॉन टोटल है, तो एक के थ्रू जो है वो क्यू बाय टू एप्सिलॉन हो जाएगा एक डिस्क के थ्रू। और ये यहाँ दिख भी रहा है कि अगर एक्स टेंस टू जीरो पुट कर दें तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फाई नेट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू बाय टू एप्सिलॉन। तो इस केस में क्या है कि चार्ज जो है वो सरफेस के जस्ट ऊपर है, एक्स की वैल्यू जीरो है मतलब जस्ट सरफेस को टच कर रहा है, सरफेस पे नहीं है, उस प्लेन में नहीं है चार्ज, है कि नहीं? अगर प्लेन में हो तो क्या होगा वो अभी डिस्कस करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेन है, स्क्वायर प्लेट है कि नहीं, और इसके कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है क्यू, ओके, तो मुझे बताना है कि इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। तो फाई क्या होगा प्लेन के थ्रू, ओके, तो वही ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन है। तो इस प्लेन के हर पॉइंट पे मैं जाऊंगा, वहाँ पे ई डॉट डी ए इवेलुएट करूँगा, तो सभी पॉइंट्स के लिए मैं वो कैलकुलेट कर लूँगा सभी एरिया एलिमेंट्स के लिए और फिर ऐड कर दूँगा, तो मेरे पास फाई नेट आ जाएगा। तो मुझे करना है यही है इंटीग्रेशन, ओके। तो अब लेट अस देखते हैं कि है क्या इसका। एक बार मैं टॉप व्यू बना लेता हूँ, तो टॉप व्यू जो है इस प्लेन का वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कि स्क्वेयर प्लेट है, ठीक है, और इस पर कि यहाँ कॉर्नर पर चार्ज क्यों रखा है। तो अब जो भी एरिया एलिमेंट आप कंसीडर करोगे, मान लो ये एरिया एलिमेंट है, ठीक है, तो इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, है कि नहीं? तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में ऊपर, तो ये 90 डिग्री एंगल, तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस चार्ज से, तो मान लो ये हमने कंसीडर किया है, तो इसका एरिया वेक्टर तो आउट है, ठीक है ना, प्लेन से बाहर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से तो यार इसी प्लेन में होगी ना, इस डायरेक्शन में जा रही होगी। ऐसे ही इस एरिया एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी प्लेन में होगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी प्लेन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वैक्टर में एंगल क्या है, 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में है और एरिया वैक्टर उसके परपेंडिकुलर है, तो उस पर भी 90 डिग्री। तो हर पॉइंट पे, इस स्क्वायर के हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है एंगल जो है वो 90 डिग्री है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, वहाँ पे अलग होगा, वहाँ पे अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन तो इसी प्लेन में होगी ना, तो और एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा जो है वो ऑलवेज 90 डिग्री है बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर एट एवरी पॉइंट ऑन प्लेन। तो उस केस में फ्लक्स जो है हर एरिया एलिमेंट पे जीरो है, तो फाई नेट भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब जरूरी थोड़ी ना कॉर्नर पे रखा होता, अगर यहाँ पे भी रखा होता तब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में होती ना। तो एक प्लेन में, जिस प्लेन में चार्ज रखा है, ठीक है ना, उस प्लेन के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन विच कंटेन द पॉइंट चार्ज, ओके, फ्लक्स थ्रू ए प्लेन विच कंटेन इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज इज ज़ीरो। और रीज़न आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेन में लाई करेगी और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा, ओके। तो अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि मान लें कि प्लेन में लाई नहीं कर रहा है पॉइंट, है कि नहीं? एग्जांपल कि ये स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड जो है वो ए है, ठीक है,
जिसकी साइड ए है, स्क्वायर प्लेट है। तो इस स्क्वायर प्लेट के मिडल पॉइंट से ए बाय टू हाइट पे, ए बाय टू हाइट पे चार्ज क्यों रखा है? तो मुझे जो है फाइंड आउट करना है कि इसके थ्रू जो है फ्लक्स क्या होगा, इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स जो है वो क्या होगा। एक तो प्रोसेस है वही इंटीग्रेशन करें, लेकिन उस केस में अब यहाँ पे क्या चूज करोगे, रिंग चूज करोगे तो स्क्वायर को रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, यानी नहीं कवर अप नहीं कर पाओगे रिंग्स की फॉर्म में स्क्वायर को। तो स्क्वायर की फॉर्म में कट करोगे तो हर स्क्वायर पे, हर साइड पे, हर पॉइंट पे डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगी, अलग अलग हो जाएंगी, है कि नहीं। अगर आप ऐसे चाहोगे कि मैं छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर लूँ इसको और फिर स्क्वायर की साइड से इंटीग्रेट कर लूँ, लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज रखा है तो उसकी चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस अलग होगी, इस पॉइंट से डिस्टेंस अलग होगी, क्योंकि सेंटर से ये पॉइंट अलग डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट अलग डिस्टेंस पे है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ ही जो है, जैसे हमने दूसरी प्लेट्स का एग्जांपल समझाने के लिए गॉस लॉ यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पे भी गॉस लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन ही यही है। तो गॉस लॉ क्या था, तो गॉस लॉ क्या स्टेट कर रहा था कि गॉस लॉ जो कह रहा था वो था कि फाई नेट थ्रू एनी सरफेस। तो सरफेस जो है वो क्लोज होना चाहिए, पहले वो क्लोज सरफेस के लिए था। तो फाई नेट जो था वो ई डॉट डी ए होता है किसी भी सरफेस के लिए, लेकिन उसको इंटीग्रेट करना है। तो गॉस लॉ में जो सरफेस था वो क्लोज था, तो ये जो इंटीग्रेशन पे सर्कल है ये शो करता है कि हम इंटीग्रेट करें क्लोज सरफेस के ऊपर, ठीक है। वो इक्वल है क्यू एनक्लोज्ड बाय सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। यही जो है इंटीग्रल फॉर्म है गॉस लॉ की, तो यही अपना गॉस लॉ था। अब इसके एप्लीकेशन यहाँ कैसे कर सकते हैं कि ये स्क्वायर प्लेट है, तो ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लेते हैं ए साइड के क्यूब अगर कंसीडर कर लें कि एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, ठीक है, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं क्यूब है जिसकी साइड ए है, तो आपको उसमें ही यही फिगर आपको नज़र आ जाएगा कि वो क्या रहा है कि ये चार्ज क्यू जो है उस क्यूब के सेंटर पे रखा है। तो इस क्यूब की साइड ए है, तो इसका मतलब, और हमें क्या करना है कि इस प्लेट के थ्रू फ्लक्स निकालना, तो फ्लक्स का मतलब इस फेस के थ्रू, तो क्यूब के एक फेस के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। ऑब्वियस सी बात है ना यार, यहाँ पे डिस्टेंस ए बाई टू है तो इससे भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू होगी, क्योंकि ये मिडल में रखा है, साइड टोटल ए है, हर किसी फेस से डिस्टेंस ए बाई टू पे रखा है क्यूब, तो हर फेस से सिमेट्रिक रखा है, ठीक है ना। तो जितना इस फेस के थ्रू फ्लक्स होगा उतना ही इस फेस के थ्रू फ्लक्स होगा, इतना ही इतना ही, तो हर सिक्स फेसेस के थ्रू फ्लक्स इक्वल होगा। और इस क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई नेट थ्रू क्यूब, तो उसका मतलब वो तो सिंपली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना यार, इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है तो वही उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही होंगी, लेकिन हर फेस के थ्रू जो है फ्लक्स इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई थ्रू सिक्स फेसेस है कि नहीं, फाई थ्रू सिक्स फेसेस जो है वो इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो थ्रू वन फेस क्या होगा, थ्रू वन फेस तो फ्लक्स थ्रू वन फेस, तो सिंपली वो जो है वो क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट, तो यही जो है इसके थ्रू फ्लक्स होगा क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ही सिमेट्रिक का हमें यूज़ करना है। तो अब आप कर सकते हो, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको करने को कहूँ तो आप ट्राई कर सकते हो, और इजी है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर सिमेट्री का यूज़ करें तो मान लें अपने पास चार्ज क्यू रखा है यहाँ पे, है कि नहीं, और ये रखा है एक वेसल की जस्ट ओपनिंग पे, और वेसल की शेप ऐसी है, कुछ भी कंसिडर करो वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे ये चार्ज क्यू रखा है, तो मुझे इस वेसल के थ्रू फ्लक्स बताना है कितना होगा। तो उस केस में इस को क्या करेंगे हम, अगर एक सिमेट्रिक फेयर बनाते हैं तो इसका मतलब एक वेसल अगर मैं इसके ऊपर बनाता सेम शेप का, तो उस केस में इन दोनों वेसल के थ्रू जो है वो फ्लक्स टोटल कितना होता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जितना अब दोनों की ओपनिंग पे रखा है तो जितना फ्लक्स इसके थ्रू होगा उतना ही फ्लक्स उसके थ्रू होगा, तो इस वेसल के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो सिंपली इसका हाफ हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हैं।
ओके तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसा आ सकता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल अच्छा आपको सॉलिड एंगल बताया जाए या नहीं बताया जाए। चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम उसमें एग्जांपल में बताते हैं, इसको बिना सॉलिड एंगल के कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि अपने पास एक क्यूब है, ठीक है कंसीडर कर लेते हैं एक क्यूब है, उस क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज क्यू है, ठीक है मुझे क्या बताना है कि मुझे बताना है कि इस फेस के थ्रू, किस फेस के थ्रू, इस फेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। अब क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा है, सेंटर पे नहीं रखा है, तो कैसे कैलकुलेट करें, वही आपको सिमेट्री ढूंढनी है, ज़्यादा कुछ नहीं ढूंढना है। अच्छा ये देखो अगर मैं इसको, चलो ठीक है तो इसका मतलब क्या है, इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूँ, वैसे तो मेनली यही है इसी का यूज़ होगा। इस क्यूब की साइड ए है, तो अगर मैं एक 2a साइड का क्यूब ड्रॉ करता हूँ, सॉरी अबाउट दैट, तो 2a साइड का जो है वो क्यूब कंसीडर करता हूँ, और उस 2a क्यूब के अंदर इस क्यूब को इमेजिन करते हैं, ठीक है तो इमेजिनेशन करते हैं ये, ठीक है तो इसको बनाते हैं, ढंग से ड्रॉ करते हैं यार, ओके तो यहाँ पे चार्ज क्यों रखा है। अब ऐसे ऐसे कितने क्यूब हैं जो इस 2a साइड के क्यूब में आ सकते हैं, तो ऐसे ऐसे 8 क्यूब होंगे है कि नहीं, जो इसको पूरे फिल कर देंगे, उन सभी के सेंटर पे चार्ज क्यूब होगा। ओके तो इस की साइड a है, इसकी साइड 2a है, तो ये साइड भी a है, तो ये 2a है, तो मुझे निकालना था इसके थ्रू, इसके थ्रू फ्लक्स। तो ऐसे ऐसे कितने फेस बन सकते हैं, एक फेस ये है, एक इधर आ सकता है इसके ऊपर जो क्यूब रखा होगा, इसके साइड में दो क्यूब और रखे होंगे, तो ऐसे ऐसे ये चार पोर्शन हम कंसीडर कर सकते हैं इस फेस के, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो एक फेस के थ्रू कितना है क्यूब आए 6 epsilon naught। अगर 2a वाले क्यूब की देखे जाए तो उसके सेंटर पर रखा है चार्ज क्यूब, तो उसके एक फेस के थ्रू क्यूब आए 6 epsilon naught है। तो अब ये सिमेट्रिक रखा है इस फेस के, तो इसका मतलब इन जो मैंने चार पोर्शन कंसिडर किए हैं उनके हर पोर्शन से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही होंगी। तो अगर पूरे को क्यू बाई 6 epsilon naught फ्लक्स है पूरे फेस के थ्रू, तो इसके 1/4 पार्ट की तरफ कितना होगा, तो 5 थ्रू जो इस फेस हो जाएगा, 5 थ्रू फेस जो है जो हमें आंसर निकालना है वो 1/4 हो जाएगा किसका, क्यू बाई 6 epsilon naught का, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 24 epsilon naught, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो कि 8 क्यूब हैं जो ये कॉर्नर जो है, अगर मैं इसको फिगर सिमेट्रिक बनाऊं तो आप एक अपने रूम का एक कॉर्नर कंसीडर कर सकते हो, और वो कॉर्नर जो है वो 8 रूम्स के साथ शेयर हो सकता है, तो 4 रूम्स ग्राउंड फ्लोर पे, तो एक इसके साइड में, एक इसके पीछे और एक इसके डायगोनल, तो ये 4 जो हैं रूम ग्राउंड फ्लोर पे शेयर हो सकता है ये कॉर्नर, ऐसे ही 4 रूम फर्स्ट फ्लोर पे जो है उनके साथ शेयर हो सकता है, तो 8 रूम में ये चार्ज क्यू जो है वो शेयर हो सकता है, तो 8 रूम्स के थ्रू जो है वो क्यू बाए 8 रूम्स के थ्रू जो है वो, या 8 बॉक्सेस आप कह सकते हो, 8 बॉक्सेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा
वो होगा q बाय एप्सिलॉन, है कि नहीं। तो एक बॉक्स के थ्रू कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू वन बॉक्स, है ना, वो हो जाएगा q बाय एट एप्सिलॉन। अब देखो जब एक बॉक्स के थ्रू q बाय एट है तो क्या वो सिक्स फेसेस से बाहर आ रहा है? अगर देखा जाए तो ये चार्ज q जो है वो ऊपर वाले फेस के कॉर्नर पे रखा है, ऐसे ही पीछे वाले फेस के कॉर्नर पे रखा है, उस साइड वाले फेस के कॉर्नर पे रखा है। तो ये चार्ज q है वो तीन फेसेस के कॉर्नर पे रखा है, तो मतलब इन तीन फेसेस के प्लेन में रखा है, तो उनके थ्रू, तीन के थ्रू तो फाइ जीरो हो जाएगा ना यार। और बचे हुए बाकी का जो q बाय एट एप्सिलॉन है वो इन तीन फेसेस के थ्रू फ्लक्स होगा, जो जिनके ये जिनसे डिस्टेंस ए पे रखा है। तो इन तीनों फेसेस से सेम फ्लक्स होगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज जो है उन तीनों से सिमेट्रिकली रखा है। सिमेट्रिकली मतलब जैसा ही उसको दिखाई देगा रखा हुआ, वैसा ही उसको दिखाई देगा। तो उस केस में इन तीनों फेस कौन कौन से, ये मेरे सामने और नीचे वाला, तो इन तीनों फेसेस के थ्रू फ्लक्स जो है वो टोटल क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट है। तो एक फेस के थ्रू कितना होगा, हो जाएगा क्यू बाय वन थर्ड ऑफ क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिंपली वन बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट वही आंसर जो यहाँ पे आ रहा था अपना, ठीक है। तो इसका करने के ये दो तरीके हैं, आप जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो वो कर सकते हो। ओके, तो ये थी एक एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट फिगर्स में फ्लक्स क्या होगा। अब सिर्फ यही नहीं है, मैं चार्ज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं, मेनली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है ही क्या, मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे तीन है, हम एक कंसीडर कर चुके हैं, तो उसमें पहला तो ये था फ्लक्स। तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। तो देखो हमने जब तक जहाँ भी गॉस लॉ का यूज़ किया है उसमें इंटीग्रेट नहीं किया है, है कि नहीं, तो इंटीग्रेशन से बचा है। उस डिस्क में हम गॉस लॉ का यूज़ नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए वहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ा था। देखो तो गॉस लॉ जो है वो इंटीग्रेशन से बचाता है कैलकुलेटिंग फ्लक्स, लेकिन आप तभी यूज़फुल है जब वो सिमेट्री आपको मिले। कैलकुलेटिंग फ्लक्स थ्रू सरफेस तो उसमें हेल्पफुल हो सकता है कि नहीं। और सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो है कैलकुलेटिंग चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। ये अब हम देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। और नंबर थ्री है हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा, उसमें भी गॉस लॉ काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमने देख लिया गॉस लॉ का यूज़ करके फ्लक्स थ्रू सरफेस कैसे हम सिमेट्री ढूंढ के उसमें कैसे गॉस लॉ यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज का मतलब क्या है, कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह दूँ कि ई आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ई नॉट बाय ए एक्स आई कैप, ठीक है। तो ये कोई ई नॉट है, कांस्टेंट है, ई नॉट बाय ए एक्स आई कैप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मुझे क्या करना है कि फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड within a cube of side A। तो साइड ए पे एक क्यूब रखा है, जिस तो वो कैसे रखा है उसका डायग्राम आपको गिवन होगा, तो वो कुछ ऐसे रखा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्यूब है,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है। तो इस क्यूब के जिसकी साइड ए है, साइड ए है, तो इसके थ्रू मुझे फ्लक्स, इसके अंदर कितना चार्ज है मुझे वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई कैप है, तो इस डायरेक्शन में ई है। वेरिएबल है, हाँ, एक्स के साथ सिर्फ वेरी कर रहा है, वाई में और जेड में जो है वो वेरी नहीं कर रहा है। तो सिर्फ एक्स 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 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अब मुझे क्या पता है कि अगर गॉस लॉ का यूज़ करना, यूज़ क्या करना, कि मैं ई डॉट डी ए कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ई पता है, डी ए के साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे क्लोज सरफेस में, और वो जो है वो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो वहाँ से मुझे क्यू इन पता चल जाएगा, अगर मुझे ये इंटीग्रेशन मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो देख लेते हैं, अब ये इंटीग्रेशन ही परफॉर्म करना है तो देखो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आई कैप है, तो अगर मैं इस फेस की बात करूँ जो कि ऊपर है ये, तो इस फेस का एरिया वेक्टर जो है वो वाई डायरेक्शन में होगा, जे कैप डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर होंगे, तो इसके थ्रू फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही ये फेस है, इसका एरिया जो है वो जेड डायरेक्शन की तरफ होगा, है कि नहीं। तो उस केस में ई जो है वो आई कैप में है और एरिया वेक्टर जेड कैप में है, तो ये ई और इसका भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसके थ्रू भी फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही इसके पीछे वाले फेस के थ्रू भी फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर माइनस जेड कैप में होगा। और ऐसे ही नीचे वाला सरफेस है, इसका थ्रू भी फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर माइनस वाई कैप में है। तो हाँ, अगर मान लो ओपन जो है फिगर होता है, तो उसका एरिया वेक्टर आर्बिट्रेरी दो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर सरफेस के, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर जो लिया जाता है बाय कन्वेंशन, वो जो है वो सरफेस के आउटसाइड होता है। ठीक है, तो इसलिए इस सरफेस के आउटसाइड, तो इस इधर नीचे उधर ऊपर। ओके, तो अब बचे दो, अब चार फेसेस के थ्रू तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, अप डाउन और फ्रंट और बैक। अब बचे ये दो साइड वाले सरफेसेस, तो इसके एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर आई कैप डायरेक्शन में होगा, जो कि जेड एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो डिग्री एंगल, जबकि वहाँ का एरिया वेक्टर जो है वो माइनस आई कैप में होगा, है कि नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। अब वहाँ पे जो है एंगल 180 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो मुझे उन दोनों फेसेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है, वही टोटल फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि बाकी चार फेसेस के थ्रू जो है वो ज़ीरो है। तो देख लेते हैं, तो इस फेस पे देखें, तो इस फेस पे फ्लक्स मुझे यहाँ पे लिखना होगा ई ए, एरिया एरिया जो है वो ए स्क्वायर, है कि नहीं, ई ए स्क्वायर कॉस 180 डिग्री प्लस यहाँ पे जो है ये ई ओरिजिन इस फेस पे है, तो इस फेस पे पहले वो देख लेते हैं है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फेस पे एक्स कोऑर्डिनेट जो ज़ीरो है, तो एक्स ज़ीरो है, तो ई ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये ई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये, तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, अगर इस फेस पे देखें, तो इस फेस पे यहाँ से ये डिस्टेंस, ये लेंथ ए है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट एक्स का कोऑर्डिनेट ए होगा, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को ए पुट करेंगे, तो ई नॉट जो है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई का, तो ये जाएगा ई नॉट इनटू एरिया, एरिया है ए स्क्वायर कॉस ज़ीरो डिग्री, है कि नहीं, ये ज़ीरो डिग्री, तो यही जो है वो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये टर्म ज़ीरो हो गई है, तो ये तो ज़ीरो है, अब यही कॉस ज़ीरो वन हो गया, तो क्यू इन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर ई नॉट ए स्क्वायर। तो यही जो है मेरा चार्ज इनक्लोज्ड होगा विद इन दिस क्यूब। ओके, तो ऐसे ही कोई स्फेयर के थ्रू दे देगा, वहाँ पे भी ई एज ए फंक्शन ऑफ आर आपको गिवन होगा। तो ये जो है चीज़ें आप कर सकते हो, कह तो
कहने हुए एक एग्जांपल कर सकते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, एग्जांपल है ये, आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, एग्जांपल ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ आर, ओके, और वो है के आर, ये तो इजी हो जाएगा, के आर स्क्वायर आर कैप, ओके, मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, दैट्स ओके। के जो है, के की जगह कुछ और कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, नहीं के ही ले लेते हैं, क्योंकि फिर आपको वो ध्यान रखना है कि उस वाला के जो है वो अलग हो जाएगा, तो के आर स्क्वायर आर आर कैप, ठीक है ना। के जो है वो सम कॉन्स्टेंट है, के इज ए कॉन्स्टेंट, 1/4 नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे क्या निकालना है, कि मुझे निकालना है फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड विद इन स्फेयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस कैपिटल आर जो है उसके थ्रू आपको चार्ज निकालना है, कि इसका मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, वैरी भी कर सकती है, लेकिन आपको टोटल चार्ज निकालना है कि आर रेडियस के स्फेयर में इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। तो आर रेडियस का एक स्फेयर लो, उसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करो, और वो फ्लक्स जो है वो क्यू बाई एप्सिलॉन होगा। फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए आपको सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, तो वो आपको गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो इंटीग्रेट करो और देखते हैं क्या आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अब थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, तो थर्ड एप्लीकेशन जो है वो अपनी है फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो एक तो है कि इंटीग्रेट करना है, ओके, दैट्स द स्टैंडर्ड प्रोसेस, ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन से हो जाएगा। लेकिन वही बात है ना यार, कई बार जैसे हमने डिस्क के थ्रू देखा था कि निकालना ईजी था, लेकिन वही स्क्वेयर प्लेट के थ्रू इंटीग्रेट करना काफ़ी मुश्किल टास्क था, इवन दो इम्पॉसिबल था। तो गॉस लॉ ने वहाँ पे इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ी ही नहीं हमें, दी ना, सीधा रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। तो इस केस में भी गॉस लॉ क्या कहता है कि ई डॉट डी ए है, तो उसके थ्रू जो क्लोज सरफेस के थ्रू वो क्यू इन बाय एप्सिलॉन है। तो अब मुझे यहाँ से ई कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ई कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस इंटीग्रेशन में अगर ई बाहर आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड मैं कैलकुलेट कर लूँगा क्यू इन एप्सिलॉन, तो देखते हैं कैसे बाहर लाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो है क्या कि एक स्फेरिकल शेल है जिसके सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि इसके बाहर इस पॉइंट पे इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, तो इस पे टोटल चार्ज क्यू है, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वो हो जाएगी क्यू अपॉन एरिया 4πr². तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r पे ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, अगर पॉइंट चार्ज होता तो उस केस में इजी होता। तो अब ये स्फेयर है, कुछ चार्ज जो है नज़दीक भी है इस पॉइंट के, कुछ चार्ज जो दूर भी है इस पॉइंट से, तो उस केस में करना क्या है, वैसे तो इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है तो वो कितना डिफ़िकल्ट है कितना ईजी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने सॉल्व किया है। तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है कि मैं एक स्फेयर लूँ, ठीक है, जैसे स्फेयर है, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, इसके बाहर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस स्फेयर को रिंग्स में ब्रेक कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे मैं रिंग्स में जो है इस स्फेयर को ब्रेक
कर सकता हूँ। तो इस रिंग का अगर मैं पोर्शन काट लूँ तो यहाँ से एंगल, इस लाइन से एंगल थीटा पे जाके डी थीटा जो है थोड़ा सा पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं, तो इस रिंग की थिकनेस जो है वो आर डी थीटा हो जाएगी। तो ये रिंग मैंने कंसिडर कर ली, तो इस रिंग को अगर मैं सिर्फ ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो इस रिंग्स के थ्रू, इस रिंग्स के एक्सिस पे रखा हुआ ये चार्ज, जितने भी रिंग्स मैं ऐसे कट करूँगा तो उन सभी के एक्सिस पे रखा हुआ ये लाइन, उन सभी का एक्सिस होगा, तो उसके एक्सिस पे रखा होगा। तो रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये हमें पता है कि नहीं? वो फॉर्मूला जो है हम देख चुके हैं कि रिंग के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है के क्यू, क्यू जो है चार्ज ऑन द रिंग है, एक्स जो उस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स है उस रिंग से, रिंग के एक्सिस पे, और अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स रेज पावर 3/2। आर जो है वो रेडियस ऑफ रिंग है। तो अगर यहाँ देखें तो ये रेडियस जो है वो स्फेयर की है, इस रिंग की रेडियस देखें तो ये आर है, ये आर है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये इस ट्रायंगल में ये रिंग की रेडियस हो जाएगी और ये हो जाएगी आर साइन थीटा। तो रेडियस ऑफ रिंग जो है वो आर साइन थीटा हो जाएगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा है। तो रिंग के सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस जो स्मॉल आर माइनस दिस डिस्टेंस आर कोस थीटा, तो आर माइनस आर कोस थीटा इस एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी जो कि अपनी एक्स है, तो आर साइन थीटा आर की जगह आ जाएगा। तो इस और डी क्यू क्या होगा इस पे, तो इस पे सिग्मा जो है हमें पता है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं रिंग का। रिंग का मतलब स्ट्रिप है ये, छोटी सी थिकनेस की जो है वो स्ट्रिप है, इसकी थिकनेस जो है वो आर डी थीटा है। तो इस रिंग की जो लेंथ है वो 2πr sin θ, क्योंकि r sin थीटा इसकी रेडियस है, तो इसकी सर्कमफ्रेंस 2πr sin θ हो जाएगी, ठीक है। तो उसको फिर इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में थिकनेस r d थीटा है, तो ये एरिया आ जाएगा इस स्ट्रिप का। तो इस स्ट्रिप का एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज डेंसिटी से, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, तो इसका स्मॉल चार्ज आ जाएगा कि इस पे चार्ज कितना है। तो इस पे डी क्यू पता चल गया हमें, तो अब इस फॉर्मूले में हमें सारी क्वांटिटीज़ पता हैं, तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की हमने स्मॉल डी ई, इस रिंग की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे सभी वेरिएबल की वैल्यूज पुट की। अब इस इतनी ये जितनी सारी रिंग्स हैं इनको कवर करना, तो थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? तो थीटा 0° पे इस रिंग को कवर कर रहा होगा और थीटा 180° पे इस रिंग को कवर कर रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ जो है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन तो अपने आप कवर हो जाएगा ना, तो थीटा 0 से π जो है वो वेरी करेगा, उसमें सभी रिंग्स जो हैं वो कवर हो जाएंगी। तो थीटा की लिमिट 0 से π लगाएंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट में दो टर्म आएंगी, फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करोगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करोगे तो ये इसको u स्क्वायर u कंसिडर कर लोगे, r r साइन थीटा du हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म, दो टर्म्स थी यहाँ पे, तो इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करोगे अलग अलग। फर्स्ट टर्म को मैंने यहाँ इंटीग्रेट किया, सेकंड टर्म को यहाँ इंटीग्रेट किया है, तो इन दी एंड जो आंसर आया है वो है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू क्या टोटल चार्ज था, आर क्या सेंटर से डिस्टेंस थी। तो बात यह है कि इंटीग्रेशन से सॉल्व करना जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको पता चल ही गया है कि कैसा कैसा इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है। तो उस केस में यहाँ पे गॉस लॉ की पावर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कि कैसी चीज़ों को आसान कर देता है। तो मुझे क्या करना था कि वही एग्ज़ाम्पल है अपना कि ये स्फेरिकल शेल था, इसके सेंटर से डिस्टेंस आर पे है कि नहीं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पे आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो इस पे टोटल चार्ज क्यों है तो अगर मैं क्या करूँ, गॉसियन सरफेस चूज़ करते हैं, इस पर टोटल चार्ज क्यू है, तो गॉसियन सरफेस कर लेते हैं, इसी को सेंटर को मानते हुए, इसी सेंटर को सेंटर मानता हुआ रेडियस आर का एक स्फेरिकल सरफेस। तो अब ये स्फेरिकल सरफेस अपना क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, इसका मतलब ये जो स्फेरिकल शेल है वो उससे भी बड़े स्फेयर के अंदर है, ठीक है, और दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं।
तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होगी सरफेस पे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है, तो ई और ए में एंगल जो 0 डिग्री रहेगा हर पॉइंट पे। अब ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस और इस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस सेम है, नंबर एक बात। नंबर दो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों के लिए सिमेट्रिक है, मतलब जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको दिखाई दे रहा है, जैसी पिक्चर इसके लिए है, जैसा सिनेरियो ये फेस कर रहा है, वैसा ही सिनेरियो ये फेस कर रहा है, इसको भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही दिखाई देगा जैसा इसको दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जो हम अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं, ऐसा है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, अपना इमेजिनरी सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस की हर पॉइंट पे, जो स्फेरिकल सरफेस है इसके हर पॉइंट पे ई और ए में 0 डिग्री एंगल है और ई का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो उस केस में जब हम ई डॉट डी ए कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन है, ठीक है, लेकिन ई डॉट डी ए कर रहे हैं तो ई और ए में एंगल 0 डिग्री है, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा हर पॉइंट पे, ठीक है, और ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन ई जो है वो भी हर पॉइंट पे सेम है, तो ई का मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, है कि नहीं। तो ये सिंपली डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्लोज सरफेस का, तो ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो टोटल जो है एरिया है वो कितना है, किसका, गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना है, 4πr², क्योंकि उसकी रेडियस r है, तो ये हो जाएगा e(4π)r², ठीक है। चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो उतना ही चार्ज है जितना जो है वो इस सरफेस पे है, ठीक है। तो उस केस में ये जो है वो हो जाएगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन, क्यू इन जो है वो है टोटल चार्ज एनक्लोज, तो ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन। ई की वैल्यू जो है वो सिंपली आ जाएगी क्यू बाय 4πr², तो 1/4πε को के लिख सकते हैं, तो सिंपली के क्यू बाय r². तो वही आंसर जो हमारा उसी रिजल्ट में आया था इंटीग्रेशन करने से, वही यहाँ पे आया। तो ये वैसा ही है कि मैं इस पूरे चार्ज को इस सेंटर पे कंसीडर कर लूँ, तो अगर एक इस सेंटर पे कंसीडर कर लूँ और सेंटर से डिस्टेंस r है, तो ये टोटल चार्ज क्यू यहाँ है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिंपली के क्यू बाय r² होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल शेल के जब बाहर पॉइंट रखा है, तो उस पूरे चार्ज को, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो उस पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो अब देख लेते हैं कि स्फेरिकल शेल के अंदर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मान लेते हैं कि जो चार्ज क्यू है यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल है, ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे आर पे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ओके। तो वही प्रोसेस है गॉस लॉ का यूज़ करते हैं, तो करें क्या कि इसको एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये आउटर सरफेस है जो कि स्फेरिकल शेल है, जिसके थ्रू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके सेंटर से डिस्टेंस, उसकी रेडियस कैपिटल आर है, ओके, उससे डिस्टेंस आर पे, स्मॉल आर पे, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, गॉसियन सरफेस चूज़ कर लेता हूँ, स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, तो मैं इसी रेडियस का एक स्फेयर जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ ये। अब इस स्फेयर के जो है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है, जैसा इस पॉइंट पे खड़े होगे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, वैसा ही इस पॉइंट पे खड़े होगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा अगर अपने आसपास देखोगे। तो उस केस में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, कुछ भी हो वो तो जीरो नॉन जीरो, लेकिन है तो इक्वली। तो उस केस अब मुझे वही करना है कि ई डॉट डी ए करना है, तो ई जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डी ए का इंटीग्रेशन करना है, और वो जो है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन हो जाएगा।
तो क्यू इन क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन गोशियन सरफेस, तो ये अपना गोशियन सरफेस, तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर से तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज जीरो है, तो इसका मतलब ये क्यू इन जो जीरो, क्योंकि सारा तो सरफेस से बाहर है, बाहर वाले स्फेरिकल सरफेस पे है, ना कि गोशियन सरफेस के अंदर, तो उस केस में यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, क्यू इन जीरो, तो ये टर्न जीरो, तो ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या है, वो तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, क्योंकि गोशियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ज़ीरो, तो या तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो है नहीं, तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो स्फेरिकल शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है वो हर पॉइंट पे, ठीक है ना, तो अंदर जो है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, सेंटर पे भी ज़ीरो होगी। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा आएगा, ये ई वर्सेस आर का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो जब R ज़ीरो है, तो यहाँ पे R लेस देन कैपिटल R है, तो जब तक R ज़ीरो है, तो R ज़ीरो मतलब सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो कब तक ज़ीरो है, जब मैं R थोड़ी बड़ी, तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, थोड़ा और बड़े तो भी ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो, तो सेंटर से अब आते हैं तो ज़ीरो कब तक, जब तक हम सरफेस पे ना पहुँच गए, तो ये ज़ीरो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कब तक, जब तक ये कैपिटल R नहीं हो जाए। तो उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी वैल्यू ये है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि सरफेस पे है, और इसके बाद जो है वो 1/r² प्रोपोर्शनल है, फिर तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगी व्हेन आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो उस केस में सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो ये ऐसे फोल्ड करेगा ग्राफ, ओके 1/r² के, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ आर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम और वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे क्या क्या होगी, तो सिमेट्रिकली देखेंगे कुछ जो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन गॉस लॉ से भी देखेंगे कितना इजी है उन्हें कैलकुलेट करना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।